को जाट भावनाओं में बहकर राजनीति का शिकार बन रहे हैं। आपको क्या लगता है कि धनखड़ की मिमिक्री करने से जाट समाज का अपमान हुआ है? आप गलत सोच रहे हैं, क्योंकि जब किसानों का आंदोलन चल रहा था तब खालिस्तानी पाकिस्तानी आतंकवादी पता नहीं क्या क्या कहा था। इस सरकार और इनके अंधभक्तों ने और कितना जुल्म उस वक्त किसानों पर किया था, तब जाट का अपमान नहीं हुआ था और इसके बाद पहलवानों का आंदोलन हुआ और उन्हें जलील करा गया। ब्रिजभूषण को गिरफ्तार करना तो दूर, इस्तीफा भी नहीं लिया गया। आज धनखड़ साहब को अपना अपमान, पूरे समाज का अपमान लगने लगा। गजब का दोगलापन है। और अब जाकर इन्हें जाट होने का एहसास हुआ। अभी साक्षी मलिक ने कुश्ती छोड़ दी। उसके आंसुओं को देखकर भी अपमान महसूस नहीं हुआ तो जाट भाइयों, साफ सीधी बात है, ये आने वाले 2024 के चुनाव की तैयारी हो रही है, यह सिर्फ राजनीतिक स्टंट है। जाट समाज तो सदा ही अपनों के साथ खड़ा रहा है, लेकिन ये राजनेता कब जाट समाज के साथ खड़े हुए हैं? ध्यान देने वाली बात है, इन बातों पर गौर जरूर करना।